आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता एचएस फुलका और पार्टी के उपाध्यक्ष अमन अरोड़ा की तरफ से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी की तरफ से पेश किए गए प्राइवेट बिल की जानकारी दी। इस नए बिल के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सभी विधायकों को एमपी फंड की तरह विधायक फंड भी दिया जाए, जिसके चलते न सिर्फ सत्ताधारी बल्कि विरोधी पक्ष के विधायक भी अपने क्षेत्रों का विकास करवा सकेंगे। उन्होंने सभी पार्टियों के विधायकों से इस बिल को पास करवाने के लिए एकजुट होने की अपील की है, ताकि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके। उन्होंने बताया कि इस बिल को विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह के आगे पेश कर दिया गया है और सबको विधानसभा में पेश किया जाएगा। पहली गल ए जेड़े जिवें सेटअप ऑलरेडी है, बिल तुहानूं दिंदे आ, बिल विच सारी के दी दुरुपयोग ना होवे ओह भी विच कीता गया, किस तरह सरकारी मशीनरी होई खर्चेगी, MLA सिर्फ सैंक्शन करेगा, वह सारा कुछ ये दिता गया, वह पूरा प्रोसीजर है। ये नहीं कि MLA देने ना सर, उन्हें सिर्फ सैंक्शन कर सैंक्शन अथॉरिटी आ, बाकी हाँ वो एग्जीक्यूशन जी है वो सरकारी मशीनरी ने पूरे रूल्स के मुताबिक ही करनी है, वही होनी है।